आज देखेंगे गौसव गौर बोनी ऑफिशियल बोडो म्यूजिक वीडियो 2021 विवेक एंड मोनालिसा लेजर फिल्म प्रोडक्शन का ये वीडियो है। इस वीडियो का सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। मैं आपका दोस्त संजय और मैं कविता। नमस्कार खुलुम भाई, स्वीकार करें। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। मैडम भी मस्त है। दिश गरीब नीनम फामे थाने में गोनीनम फामे बिखा बिखल नीनम फामे खोरो मेलम नीनम फामे लाजी सुनू मिनी सुनू लाजिस्मे तो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वीडियो था। पहले कविता से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा और बाद में हम भी बात कर लेंगे। ये वीडियो इतना सुंदर इतना ब्यूटीफुल था, मैडम की तरफ देखा तो मैडम इतनी सुंदर दिख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी मैडम। और सॉन्ग का म्यूज़िक
इतना बेहतरीन था, बस वो गाने पे ऐसा मतलब मजा आ रहा था आपको? हाँ, बहुत मजा आ रहा था। हेडफोन पे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैडम के ड्रेसेस एक से एक बढ़कर, मैडम का ड्रेसेस खर्चा किया है प्रोडक्शन हाउस ने बहुत सुंदर दिख रही थी मैडम, और सर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैडम का डांस, मैडम के जो मतलब एक्सप्रेशन, मैडम की स्माइल इतनी सुंदर दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी मैडम। जो लोकेशन यूज़ किया है वो इतने सुंदर लोकेशन दिख रहे थे, वाटरफॉल वाला, वो जंगल वाला बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इसमें इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इनका कि जैसे भाई वो बाइक पे आते मैडम को देखते और उसके बाद एक बस सपने में खो जाते और इतना ब्यूटीफुल सपना देखते। एक्चुअली मैं इस वीडियो के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मतलब बॉलीवुड को भी मात दे दे, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट था और निभाया भी इतना ब्यूटीफुली है। क्या डायरेक्शन रहा है पूरे सॉन्ग में, और कॉस्ट्यूम्स एक से बढ़कर एक थे जैसे कविता ने कहा। मुझे भी बहुत पसंद आए दोनों के भी कॉस्ट्यूम, मिक्स है मॉडर्न और ट्रेडिशनल, पर दोनों बहुत ही जज रहे थे उस कॉस्ट्यूम में। और जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने बहुत खर्चा किया है क्योंकि इतने बेहतरीन कॉस्ट्यूम, इतने एक से बढ़कर एक लोकेशंस थे इसमें, और इसमें सोने पे सुहागा इन दोनों के एक्टिंग, मैम के एक्सप्रेशंस, विवेक भाई लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है और क्या एक्टिंग की है इस सॉन्ग में उन्होंने, उनका डांस, उनकी एक्टिंग, मैम के एक्सप्रेशंस और एक्टिंग, डांस लाजवाब लग रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी मोनालिसा मैम, मज़ा आ गया देख के उन दोनों की एक्टिंग। और इसमें ड्रोन का यूज़ फैबुलस रहा है, कमाल के व्यू है जैसे ड्रोन ने लिए, जैसे वो सोए हुए हैं या रिवर में खड़े, एकदम से ड्रोन दूर चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो वाले सीन। और इसमें कैमरामैन का बहुत ही बेहतरीन काम है, बहुत पसंद आया उनका काम भी। कॉस्ट्यूम टीम बहुत कमाल का काम किया, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक था इस सॉन्ग का, हेडफोन पे इतना मज़ा आ रहा था सुनने का। और सिंगर की आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उन्होंने उनका काम बहुत ही बखूबी निभाया। और ये आई थिंक हम हार्ड दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, थोड़ा बिजी थे उस वजह से, और ये सॉन्ग मतलब 8 दिन के बाद सुनने को मिला, इतना मज़ा आया, बहुत हम दोनों ने भी इंजॉय किया, हम भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, इतना पसंद आ रहा था सॉन्ग। तो आपको कैसा लगा गाइस, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।